ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नम ओम विष्णुपादाय। बोलिए कृष्ण प्रेष्टाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाशा तदेशतारिणे पाशात देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से पधारे हुए अतिथि मेहमान महानुभाव एवं आधुनिक उपकरण के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले देश विदेश के समस्त श्रोतागण, भगवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार गोल्ड कोस्ट भक्ति सेंटर की इस व्यासपीठ से आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। भगवत गीता आदि मध्य और अंत, कुछ ही दिनों में गीता जयंती का सुंदर पर्व, सुंदर अवसर आ रहा है। कुछ ही दिन में आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर समस्त विश्व को एक बहुत सुंदर भेंट प्रदान की, जो थी भगवत गीता। सो भगवत गीता का पर्व निकट है, अतः भगवत गीता के ऊपर हम सब श्रवण कर रहे हैं। गीता के विषय में व्यास मुनि वराह पुराण में लिखते हैं, गीतार्थ श्रवणासक्तो महापाप युतो पिवाह। यदि कोई अपने जीवन में जाने अनजाने में पाप कर बैठता है, एक बात तो निश्चित है कि हम सब ने पाप किए हैं कि नहीं किए हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं पाप नहीं किया, परंतु महापाप युतोपि वा, जाने अनजाने में हमसे पाप हो जाते हैं। हमारी माताएं रोज भोजन बनाती हैं और अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि में अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं, ये पाप है। हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, वह गर्म पानी जब नाली में जाता है
उस नाली में रहने वाले असंख्य जीव मर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता, ये पाप है। हमारे काम पर जाने के लिए, ऑफिस जॉब में जाने के लिए हम चलते हैं, हमारे पांव के नीचे अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं, ये पाप है। हम सांस लेते हैं, अनेकों जीव जंतु हमारे अंदर जाते हैं और मर जाते हैं, ये भी पाप है। छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देना और झूठ बोलकर अपना काम निकालना, ये भी पाप है जो हम रोज करते हैं। कोई दूध का धुला नहीं है, है कहने के लिए, बस आप महान हो, प्रभु हो, है आप। पाप सब लोग करते हैं, और ऊपर से पद्म पुराण का, वराह पुराण का यह श्लोक, महा पाप युतोपि वा, यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में कितना भी पाप करे, परंतु गीता अर्थ श्रवणासक्तो, परंतु वो भगवत गीता के अर्थ को समझने लगता है, और समझना ही नहीं, भगवत गीता के अर्थ को समझने में यदि वो आसक्त हो जाए, मतलब उसमें रुचि बढ़ जाए। लेकिन महाभारत में वर्णन है कि जो व्यक्ति जितना दूर से कथा सुनने आता है उसे उतना अधिक लाभ मिलता है, और हमारी परंपरा तो यही रही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, देवाधिदेव महादेव कैलाश के शिखर से उतर कर पूरे भारत को भेद कर पूरे भारत की यात्रा करके कुंभज के आश्रम में पहुंचे। क्यों? भगवत कथा सुनने के लिए। अब शिवजी जैसे हैं वैष्णव, शिवजी जैसे महादेव जब भागवत कथा सुनने के लिए इतनी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, तो हम आधा घंटा एक घंटा दूर नहीं आ सकते अवश्य। और महाभारत में कथा है कि युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया, और द्वापर युग तक जो व्यक्ति यज्ञ करता था और उसका यज्ञ संपूर्ण हो जाता था, उनके राज्य में रहा हुआ मंदिर का बेल, घंटी अपने आप बजने लगती थी। युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया लेकिन वह घंटी नहीं बजी, बड़े परेशान, रात को नींद नहीं आ रही थी। द्रौपदी ने कहा, पतिदेव कुछ परेशानी है? हाँ, बोले परेशानी, लेकिन तुम सो जाओ। बोले नहीं, मुझे बताओ, मैं कुछ आपको हेल्प करूं। बोले तुम क्या कर सकती हो? कई सारे पुरुष स्त्रियों को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, स्त्रियों में क्या बुद्धि होती है, स्त्रियों में क्या सामर्थ्य होता है, स्त्रियों में जितनी होती है उतनी आजकल के पुरुषों में नहीं होती है। नहीं तो विचार कीजिए, 25-25, 30-30 साल तक बंदा मेहनत करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, गधा बन, बेल बन जाता है, और घर बनाता है और घर को सजाता है, और वह पत्नी शादी करके घर पर आती है, दूसरे ही दिन कोई पूछे घर किसका? मेरा। ये बेचारा गधा बन गया, 30-30 साल तक मेहनत कर रहा है, और वो एक दिन में सारा माल अपना बना लेती है। ये बुद्धि नहीं तो और क्या है? कौन कहता है स्त्री अबला है? वो थी पास्ट में, अभी। और आप लोग कभी अपने ससुराल में जाकर कहो, ससुर जी ये फ्रिज मेरा है, है ताकत? तो युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी तुम सो जाओ। नहीं नहीं पति देव, बताओ क्या है? बोले देखो ना, हमारे राज्य मैंने यज्ञ किया और वह घंटी नहीं बजी क्योंकि हमारा यज्ञ अधूरा रह गया। बोले अधूरा रहने का कारण, युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे राज्य में एक ब्राह्मण भूखा है, जहां यज्ञ होता है वहां कोई भूखा नहीं होना चाहिए, ये भागवत कथा भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ में कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो बोले एक साधु भूखा है, और मैं उस साधु के पास गया तो साधु अपनी शर्त रख रहा है। बोले क्या शर्त रखा है वो साधु? युधिष्ठिर महाराज उस साधु के पास गए, कहा महाराज आइए ना, भोजन कर लीजिए ना। कुछ लोग तपस्या कर करके बड़े क्रोधी हो जाते, उसे अच्छे खा लेना चाहिए, है ना?
कुछ लोग एकादशी निर्जला रहते हैं और फिर उसके सामने बोला नहीं जाता है, थोड़ी भी बोलो तो इतना क्रोध करते हैं, उसे तो जो खा पी लेना चाहिए और शांति से व्यवहार करना चाहिए। ये युधिष्ठिर महाराज गए, महाराज आपकी कृपा से हमारा यज्ञ अधूरा है, आप आकर भोजन कर लीजिए ना। मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले आइए भोजन कीजिए। बोले मैं नहीं करूंगा, यदि मुझे भोजन कराना है तो 100 यज्ञ का फल मुझे अर्पण करो, 100 यज्ञ का फल मुझे अर्पण करो, फिर भोजन करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा महाराज जीवन में पहला यज्ञ कर रहा हूं और वो आपकी कृपा से अधूरा है, पहले एक तो पूरा हो जाने दो। मैं नहीं आऊंगा 100 यज्ञ का फल जब तक नहीं दोगे। युधिष्ठिर महाराज हार गए, अपने घर जाकर परेशान होने लगे और द्रौपदी को ये बात बताए। द्रौपदी ने कहा पतिदेव मैं कुछ चक्कर चलाऊं? बोले मैं तो हार गया, तुम चलाओ। द्रौपदी गई, यमुना के तट पर वह सन्यासी बैठा था। द्रौपदी ने प्रणाम किया, कहा महाराज आपके कारण हमारा यज्ञ अधूरा है, कृपया करके आप भोजन करने चलिए। उस साधु ने कहा कि आपको पता नहीं मैंने आपके पति को बात बताई कि 100 यज्ञ का फल दोगे तब जाकर मैं भोजन करने आऊंगा। द्रौपदी ने कहा दिया, मैं वादा करती हूं 100 यज्ञ का फल मैं आपको प्रदान करती हूं। वो साधु कहता है जीवन में 100 यज्ञ किए आपने, ये पहला यज्ञ है, 100 यज्ञ का फल कहां से दोगी? द्रौपदी ने कहा कि महाराज थोड़े शास्त्र पढ़ा करो, वेदों में क्या लिखा है। आप जानते हो हमारे वहां वेदव्यास, असित, देवल, धौम्य, नारद जैसे महान महान ऋषि मुनि आए हैं, हमारे वहां संतों की जमात लगी हुई है, सत्संग हो रहा है और वेद में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। महाराज वेद में लिखा है कि जहां सत्संग हो रहा हो और ऐसे सत्संग में जब हम जाते हैं, ऐसे सत्संग में जाने के लिए हम जितने कदम आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं एक कदम पर 100 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो महाराज हमारे वहां सत्संग है, आप चलिए, एक एक कदम पर कोटि यज्ञ का फल मिलेगा, एक 100 यज्ञ का फल आप रख लेना, बाकी का मुझे दे देना। तुरंत साधु खड़ा हुआ, दौड़ने लगा, भोजन किया और वह बेल बजने लगा। कहने का अर्थ यह है कि संत मिलन को जब हम जाते हैं और जाते समय जितने कदम आगे बढ़ाते हैं, उतने कदम, एक एक कदम पर कोटि कोटि यज्ञ का फल मिलता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो दूर से आते हैं उसे ज्यादा फल मिलता है। समझ में आ रही है? मैं धन्यवाद दे रहा हूं ब्रिजबन से आने वाले लोगों का। ये मोहित, हमारी माता माधवी माता, ये सब सिडनी से आए हैं और आप मुझे धन्यवाद दो, भारत से आया हूं। सबसे ज्यादा फल तो मुझे मिलेगा। तो कोटि न यज्ञ समान है। कहने का अर्थ यह है कि कितना भी व्यक्ति पाप करता है परंतु गीता अर्थ श्रवणासक्तो, परंतु भगवद गीता के अर्थ को सुनने में यदि रुचि हो जाए तो वैकुंठ सम आपनोति विष्णुना सह मोदते, वह अनंत पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो सकता है और वैकुंठ में भगवान की सेवा में सराबोर हो सकता है, यदि भगवद गीता में आसक्त हो जाए। ऐसा ही एक श्लोक भागवत में आया, बहुत सुंदर श्लोक है। सूत जी कहते हैं
कि जीवन में आप कितने भी धर्म का पालन करो, धर्म माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, देश धर्म, समाज धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, बच्चों का धर्म, आप सारे धर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य का पालन करो, लेकिन यदि भगवत गीता भागवत या भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होती है तो जीवन में जितने भी सत्कर्म किए हैं वो सब फेल है। सुजी कहते हैं धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पाद येत यदि रति श्रम एव ही केवलम। मात्र कुछ लोग कहते हैं हमारी भक्ति बढ़ रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा, उसका मीटर क्या है? उसका मीटर यही है कि अपने आप को पूछो, भगवत कथा सुनने में रुचि बढ़ रही है? हरि नाम में रुचि बढ़ रही है? यदि हरि नाम या हरि कथा में रुचि बढ़ रही है तो समझो हमारी भक्ति बढ़ रही है, नहीं तो जीवन का सारा कर्म व्यर्थ है। और तीस पर भगवत गीता जैसा ग्रंथ है। भगवत गीता के विषय में कहते हैं कि यह संसार समस्त प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। संसार सागर होई, संसार जो है दुखों का सागर, समुद्र है। जैसे समुद्र में आप तो समुद्र के तट पर रहने वाले लोग हो, एक तो समुद्र की विभूति देखते हो और एक समुद्र पर किनारे पर जो खड़ी रहती वो विभूति देखते हो, दो दो विभूतियां यहां पर, वो भी एक भगवान की विभूति। संसार सागर होई, जैसे समंदर में जल ही जल होता है वैसे ही संसार में दुख ही दुख है, चाहे मानो या ना मानो। बुद्धिमान वो है जो इस दुख का एहसास करे, जो इस दुख को समझे। कई बार कुछ लोग कहते ना प्रभु मैं बहुत सुखी हूं, आई एम वेरी हैप्पी। अब हम पूछते ना कैसे हो, मजे में, आनंद में, मौज में, तब समझो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि यार बनाने वाले ने गीता में कहा कि अर्जुन ये दुनिया मैंने बनाई, और ये दुनिया मैंने कैसी बनाई, दुखालयम अशाश्वतम। अब बनाने वाले ने इस पर लेबल लगा दिया कि दुखालयम, तो फिर हम ऐसा कहे कि हम सुखी हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ अज्ञान है। और जब कोई आपके पास आए कि मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं, समझो बंदा परफेक्ट जा रहा है, एटलीस्ट संसार का स्वरूप समझ रहा है, गीता से निकट चला गया है। क्योंकि भगवान ने जो संसार बनाया उस संसार को ठीक से समझ रहा है। जैसे समंदर में जल ही जल, पानी ही पानी होता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में दुख ही दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। हम रोज सुबह मंगला आरती में गाते हैं संसार दावा नल लीढ़ लोक। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये गुरुवाष्टकम कि ये संसार दावा नल की तरह जल रहा है। दावा नल की तरह। तो कहते हैं संसार सागर घोई, हम सब लोग दुख रूपी इस भवसागर में डूब रहे हैं, डूब गोता खा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, मरने के बाद दुख और बढ़ता है। एटलीस्ट मनुष्य शरीर है, मरने के बाद गधा बने, बैल बने, कुत्ता बने, बंदर बने। तो इस भवसागर में हम लोग डूब रहे हैं, संसार सागर घोई, लेकिन तत इच्छामि यो नरह। इस भवसागर में डूबते हुए यदि मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए तो मनुष्य इस भवसागर को पार कर सकता है। कैसे? गीता नाव समा रही पारम घोतु सुखे नच। इस भवसागर में डूबता हुआ व्यक्ति
भगवत गीता रूपी नाव पर सवार हो जाए तो इस भवसागर को पार करके भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है। गीता नाव समा रही है, ये भगवत गीता नौका के समान है जो हमें भवसागर को पार करा सकती है। ऐसी भगवत गीता का हम सब श्रवण कर रहे हैं। पद्म पुराण में एक ऐसी कथा है, एक 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 बिल्कुल कर्कश स्वभाव की स्त्री थी, लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा ही कर्कश स्वभाव था। इतना बोलती लोगों को लगता पति गूंगा है बेचारा। पत्नी अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब इसका कुछ कीजिए, ये रात को स्वप्न में इतना बोलते हैं मुझे सोने नहीं देते हैं, इसको आप इंजेक्शन मारो, बॉटल चढ़ाना बॉटल चढ़ाओ, इसका ऑपरेशन कर दो, लेकिन रात का बोलना बंद हो जाए महाराज, ऐसा कुछ करो। डॉक्टर ने कहा इसको कोई दवाई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, दिन को बोलने का चांस दो, रात को ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप एक तो दिन को बोलने नहीं देती, बेचारा अपना कोटा तो कहीं तो खत्म करेगा, उसका जो बोलने का कोटा है दिन को बेचारा बोल नहीं पाता, रात को बोलता है। इतनी कर्कश स्वभाव वाली स्त्री थी, असमय में मृत्यु हुई, और क्योंकि स्वभाव कर्कश था इसलिए मरने के बाद वो चिड़िया बनी। क्या बनी? चें 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 करने वाली चिड़िया बनी। ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ये पद्म पुराण में ये कथा है, स्टाइल मेरी है, बाकी कथा प्योर है। तो कर्कश स्वभाव वाली स्त्री थी और अपने स्वभाव से मजबूर। अब जैसा स्वभाव होता है, जैसा काम करते हैं हम वैसा बनते हैं। मरने के बाद चिड़िया बनी। वो चिड़िया एक दिन आकाश में उड़ रही थी, अपना कर्म भोगत रही थी। तब तक क्या हुआ कि वो किसी बाज के साथ टकराई और आकाश से नीचे गिरी। नीचे एक खोपड़ी थी, उसमें कुछ पानी भरा हुआ था। उस पानी में जैसे ही वह चिड़िया गिरी, चतुर्भुज रूप धारण करके, भगवत पार्षद रूप धारण करके भगवान के धाम वैकुंठ में चली गई। पद्म पुराण में यह कथा है। तब ऋषि मुनियों ने व्यास जी को पूछा कि प्रभु, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल कर्कश स्वभाव रखा, दुनिया की चर्चाएं की और कर्मवश चिड़िया बनी, उसे तो बहुत सारे कर्म भोगतने थे, लेकिन उस जल में गिरकर चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ चली गई, इसका कारण क्या? तब व्यास मुनि पद्म पुराण में लिखते हैं कि यद्यपि वो उसने पाप किया था, वो अपना कर्म भोगत रही थी और सदियों तक उनको कर्म भोगतना था, लेकिन जिस खोपड़ी में वह गिरी, वो जिस आदमी की खोपड़ी थी, वह आदमी भगवत गीता का पाठ करता था। सो भगवत गीता का पाठ करने वाला आदमी मर गया और उसके शरीर की खोपड़ी में कुछ जल बारिश का पड़ा था, वो जल भी इतना पवित्र हो गया कि उसमें ऐसी कर्कशा नारी चिड़िया के रूप में गिरी, चतुर्भुज रूप प्राप्त करके वैकुंठ चली गई। भगवत गीता पढ़ने वाला, सुनने वाले के मरने के बाद भी हड्डियों में इतनी पवित्रता होती है तो जीते जी क्या कहना। क्योंकि भक्तों, भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भगवत गीता साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवत गीता को कोई साधारण पुस्तिका मत समझिएगा, जैसे हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं हिस्ट्री ज्योमेट्री है, ये कोई पुस्तिका नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप है। शास्त्र के दो श्लोक में, पद्म पुराण में स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, किस प्रकार भगवत गीता के 18 अध्याय मेरे अंग है। भगवत गीता के 18 अध्याय और कुछ नहीं, भगवान कृष्ण के अंग है। सुनना चाहते हैं? स्वयं पद्म पुराण में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं,
श्रुणु श्रुणु शिवक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मना वक्त्राणि पंच जानीहि पंच ध्याया अनुक्रमा दशाध्यायन भुजाश्चेकम् उदरम दो पदाम्बुजे एवमष्टादशाध्यायी वांगमयी मूर्ति ईश्वरी। स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि श्रुणु श्रुणोसि वक्ष्यामि। बहुत सुंदर ये श्लोक है। श्रुणु माने सुनो, वक्ष्यामि माने मैं जो बोल रहा हूं सुनो। लेकिन किसको कह रहे हैं? श्रुणोसि, सुनने की इच्छा रखने वाली लक्ष्मी तुम सुनो। देखिए भगवान भी प्रवचन उनको सुनाते हैं जिनको सुनने की इच्छा होती है। सुनने की इच्छा रखे, हे श्रुणोसि, हे सुनने की इच्छा रखने वाली, अर्थात ये हे कथा सुनने में एक्सपर्ट लक्ष्मी सुनो। गीतासु स्थिति मात्मन, लक्ष्मी तुम ये सुनो कि भगवत गीता में मेरी स्थिति क्या है, ये गीता क्या है और गीता से मेरा क्या संबंध है। कहते हैं वक्त्राणी पंच जानी ही पंचाध्याय अनुक्रमात्, भगवत गीता का पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लक्ष्मी ये भगवत गीता के एक से पांच अध्याय मेरे पांच मुख है, आप लोग गिनिएगा। वक्त्राणी पंच जानी ही पंचाध्याय अनुक्रमात्, भगवत गीता के प्रथम पांच अध्याय लक्ष्मी मेरे पांच मस्तक है, मुख है। अब इसमें विस्तार करने जाऊं तो बहुत कुछ हो सकता है। वेदों में लिखा है कि पंच यज्ञ, पांच प्रकार के यज्ञ हैं और भगवान इन पांच यज्ञ से खाते हैं, ये सब बात है। खैर गीता के पांच अध्याय भगवान कृष्ण के पांच मुख हैं, ठीक है। आगे कहते हैं दशाध्यायन भुंजाश्चैकम उदरम दो पदाम्बुजे। भगवद गीता का पांचवे से लेकर पंद्रह अध्याय अर्थात दस अध्याय कहते हैं मेरी दस भुजा है। प्रथम पांच अध्याय पांच मुख हैं, पांचवे अध्याय से लेकर पंद्रहवा अध्याय मतलब टोटल दस अध्याय जो है मेरे दस हाथ, मेरी दस भुजा है, और सोलहवा अध्याय मेरा उदर, मेरा पेट है, और सत्रहवा और अठारहवा अध्याय मेरे दो चरण है। इस प्रकार भगवद गीता के अठारह अध्याय है लक्ष्मी और कुछ नहीं मेरे ही अंग है, अर्थात भगवद गीता मेरा ही स्वरूप है। इसलिए यदि हम ध्यान से भगवद गीता सुने पढ़े बिना सोए हैं, बिना सोए बिना जपकी मारे यदि हम भगवद गीता सुनते पढ़ते हैं तो मानो ऐसा ही एहसास होता है कि जैसे हम भगवान के गोद में बैठे हैं। व्यास मुनि तो व्यास मुनि, संसार के सफल लोगों ने भी जब तक गीता को नहीं अपनाया वो सक्सेस नहीं हो पाए। आप इतिहास में सफल लोगों का अनुभव सुनिए और सब छोड़िए, हमारे भारत में सक्सेस पुरुष माना जाता है महात्मा गांधी को। ब्रिटिशर्स हमारे भारत पर 200-250 वर्ष तक राज किए लेकिन एक गांधी जी, एक आदमी ने स्वतंत्रता की ऐसी लड़ाई लड़ी के सारे अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया और सदियों से भारत गुलाम था उस भारत को आजादी दिलवाई महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की लेखनी पढ़िए,
महात्मा गांधी अपनी लेखनी में लिखते हैं कि जब मैं अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहा था, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के संशय होते थे, मेरे जीवन में मैं अनेक बार नर्वस हो जाता था। और क्यों न हो, गांधी जी की छोड़िए, हम लोग एक पत्नी और दो तीन बच्चों का भरण पोषण करने में कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और जो आदमी पूरी भारत की ओर से लड़ रहा था, उनके जीवन में कितना संघर्ष होगा। गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत संघर्ष में था, और कभी कभी तो निराशा के बादल इतना छा जाते थे कि मुझे कोई रास्ता, मुझे कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था। कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जिस समय मेरे सारे मार्ग, सारे रास्ते बंद हो जाते थे, उस समय मैं एकांत कमरे में जाकर भगवद गीता लेकर बैठ जाता था। महात्मा गांधी का यह शब्द है। और मैं क्या करता था, भगवद गीता लेकर बैठता और भगवद गीता को ऐसे खोलता और मेरे सामने जो श्लोक आता वो श्लोक मेरी समस्या का समाधान कर देता, मेरे सारे रास्ते खोल देता। और इसी प्रकार मेरे जीवन में भगवद गीता मुझे बहुत मदद करने लगी। गांधी जी लिखते हैं कि भगवद गीता मेरे लिए कोई पुस्तिका नहीं, मेरे लिए ग्रंथ नहीं, भगवद गीता मेरी माँ है। गांधी जी ने भगवद गीता को माँ माना। यह है गांधी जी। हमारे रामकृष्ण परमहंस के कृपा पात्र शिष्य, सूर्य के समान जिनका तेज, स्वामी विवेकानंद है। प्रथम बार अमेरिका गए और अमेरिका में शिकागो में विद्वानों के का सम्मेलन था, और उस समय सारे बड़े बड़े विद्वान उस सभा में आते और क्या करते हैं? सबसे पहले स्वामी विवेकानंद तो समय के पक्के थे, समय से पहुंचे और सभी विद्वानों को कुछ बोलना था, कुछ स्पीच देनी थी, और जो बोलना था उसका आधार कोई ग्रंथ होता था, वो ग्रंथ वहां रखना होता था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना ग्रंथ भगवद गीता, सनातन धर्म का ग्रंथ गीता रखी और अपने स्थान पर बैठ गए। फिर आगे कोई विद्वान आया, उसने अपना ग्रंथ गीता के ऊपर जानबूझकर उसके ऊपर ग्रंथ रख दिया ताकि गीता ढक जाए, और वो भी बैठा। तीसरा आया तो तीसरे ने उसके ऊपर ग्रंथ रखा, बैठा। चौथा आया उसके ऊपर, ऐसे करके ग्रंथ का बहुत बड़ा बंडल हो गया। सब लोग अपना अपना स्पीच देने लगे। उस शिकागो की धरती पर जब अनाउंसमेंट हुआ कि स्वामी विवेकानंद आएंगे, विवेकानंद जी ने कुछ नहीं किया, उसने अपना ग्रंथ जो रखा था उसे ऐसे करके ले लिया। जैसे ही भगवद गीता को ले लिया, सारे ग्रंथ गिर गए। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा कि इस दुनिया में कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि कुछ लिखना होता है तो गीता का सहारा लेना ही होगा। बिना गीता के सहारे कोई ग्रंथ, कोई ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। और आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भगवद गीता को कंपलसरी किया गया है। सो ये है भगवद गीता। गीता, गीता शब्द समझ ना, गीता, गीता का अर्थ है गीत, सॉन्ग। एक ऐसा सॉन्ग है जो भगवान ने गाया है। दुनिया के सॉन्ग तो पुराने हो जाते हैं, लेकिन भगवद गीता आज भी नित्य नवीन है। भगवद गीता का ये सॉन्ग कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले गाया। ये केवल 45 मिनट का सॉन्ग है, और अर्जुन बहुत चिंतित था, फ्रस्ट्रेट था। इस गीता को सुनकर अर्जुन की सारी शंका, सारा शोक दूर हो गया।
आप भगवत गीता सुनने से पहले अर्जुन की स्थिति देखिए। अर्जुन का मुंह सूख गया, अर्जुन को पसीना निकल गया, हाथ से गांडीव सरक गया। जैसे कोई 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 स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है तो हाथ से पेन सरक जाती है, अर्जुन का गांडीव सरक गया, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट। और उस समय कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई, गीता सुनकर अर्जुन को इतना उत्साह बढ़ा, अर्जुन ने कहा कि करिष्ये वचनम तव, कृष्ण आपने जैसा कहा है वही करूंगा। गीता सुनने से पहले अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयम भोक्तुम भैक्ष्मी अपी हलोके, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और गीता सुनने के बाद अर्जुन ने गांडीर उठाया, कहा पहले किसको उड़ाऊं, आप नंबर बोलते जाओ, और यही किया। भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो निराश लोगों को, नर्वस लोगों को अपने कर्तव्य में आगे बढ़ाती है। कुछ लोग कहते हैं गीता नहीं पढ़नी चाहिए, गीता पढ़ने वाला वैरागी हो जाता है, गीता पढ़ने वाला घर छोड़ देता है। किसी ने छोड़ा? गीता सुनने वाला अर्जुन जो गीता का पहला श्रोता, सबसे बड़ा गृहस्थ है। गीता जो है किसी को अपने धर्म से चुकाती नहीं, गीता जो है संसार के जीवों को अपने अपने धर्म में लगाती है। अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के धर्म में लगाया, वैश्य को व्यापार, और सबको अपने अपने धर्म में, कर्तव्यों में लगाने का काम भगवद गीता करती है। और उसमें जो भी परेशानी प्रॉब्लम आए भगवद गीता के सिद्धांतों से उसे दूर किया जा सकता है। भक्तों भगवद गीता ऐसा ग्रंथ जिस पर बड़े बड़े विद्वान पीएचडी कर करके थक गए हैं, लेकिन एक श्लोक को भी पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए। लेकिन यही भगवद गीता किसी सदगुरु के मार्गदर्शन में हम पढ़ें और समझने का प्रयास करें तो इसे पूर्ण रूप से समझ सकते हैं और इससे जीवन का हम उद्धार कर सकते हैं। भगवद गीता के आदि में हमने सुना कि किस प्रकार गीता का प्लेटफॉर्म बना, किस परिस्थिति में यह ज्ञान दिया गया, ये सब कुछ हमने प्रथम दिन सुना। भगवद गीता के मध्य में क्या है, अर्थात भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं, ये हमने कल सुना। मूल रूप से कृष्ण पांच तत्व कहना चाहते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। सो गीता मध्य, गत सत्र में हमने सुना किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा है। अनेकों सिद्धांत दृष्टांतों के द्वारा हमने समझा। साथ ही साथ कल हमने काल के बारे में सुना, समय क्या होता है, समय की महिमा मर्यादा क्या होती है। और साथ ही साथ हमने कल और क्या सुना था, प्रकृति के बारे में सुना। श्रीमद् भगवद गीता में और दो तत्व है, वो है कर्म, और चौथा तत्व है कर्म। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म को समझता है, कर्म की गति को समझता है। कृष्ण ने कहा बोधव्य कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम विकर्मण, अकर्मणो ही अपि बोधव्यम, गहना कर्मणो गति है। कृष्ण ने कह दिया कि कर्म की गति को कोई नहीं समझ सकता। कर्म की गति माने आज हम लोग किस कर्म की सजा भोगत रहे हैं और आज जो कर्म कर रहे हैं उसकी सजा कब, कहां, कैसे मिलेगी, हम कोई नहीं जानते हैं। क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति एकमात्र भगवान जानते हैं। लेकिन फिर भी कर्मण ही अपि बोधव्यम, फिर भी कर्म के बारे में समझना चाहिए। आज हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है ये कर्म के कारण घट रही है। कुछ लोग कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत करने से पैसे मिलेंगे, लेकिन हमने इस संसार में देखा है
कि कुछ लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन मजदूरी करते हैं। भारत में आपने देखा होगा सुबह से लेकर शाम तक वो हाथ गाड़ी खींचते हैं, माल उठाते हैं, वजन उठाते हैं, शाम को 100-200 रुपये कमाते हैं। कितनी मेहनत। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, 2-3 फोन घुमा देते हैं तो 1-2 मिनट में 2-5 लाख रुपया कमा लेते हैं। यदि मेहनत करने से ही पैसा मिलता तो वो तो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी कर रहा है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए है? ऐसा क्यों? कई बार आप लोगों के जीवन में भी होता होगा कि हम लोग इतना अच्छा, इतनी अच्छी भक्ति करते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? और ये भी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत गलत काम करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और न जाने क्या क्या काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो आनंद लूट रहा है। हम अच्छा काम कर रहे हैं हम दुखी हैं, और जो बुरा काम करते हैं वो सुखी हैं। ये सब क्या है? ये और कुछ नहीं, ये एक और मात्र एक कर्म का फल है। ये कर्म का फल है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हर एक कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। आप कोई बॉल फेंको, जितनी जितनी जोर से फेंकोगे उतना ही रिबाउंस होकर आएगा। अब जो भी कार्य करते, एक बात समझ लीजिए, जो भी हम कार्य करते हैं उनकी एक प्रतिक्रिया अवश्य होगी। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया तुरंत होगी, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया 5 मिनट के बाद होगी, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया 5 साल के बाद होगी, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसकी प्रतिक्रिया 5 जन्म के बाद होगी। ऐसा मत समझिए हम बुरा काम करते हैं तो हमें तुरंत फल मिलेगा, नहीं। कर्म के फल में अंतर होता है, कभी तुरंत कभी फास्ट। जैसे आप खराब पानी पियो तो तुरंत रोग नहीं होगा, 2-5 वीक के बाद आपको जॉन्डिस या कुछ होगा, है ना? आप मोबाइल का बिल ना भरो तो तुरंत आपको दंड नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद और फिर नहीं बोले तो 3 नोटिस और फिर आगे, तुरंत नहीं होता। लेकिन अभी आप नीचे उतर कर किसी स्कूली को एक जोर से थप्पड़ मारो तुरंत उसका रिजल्ट आएगा। ये ऐसा कर्म है जिस तुरंत रिजल्ट। सभी कर्मों के रिजल्ट में अंतर होता है, कोई तुरंत मिल जाता है, कोई कुछ समय के बाद, कोई कुछ सालों के बाद, कोई कुछ जन्म के बाद। इसलिए कृष्ण ने कहा ना कि गहना कर्मणो गति, कौन से कर्म का फल कब कहां कैसे मिलेगा ये कोई नहीं समझता, लेकिन कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, वो तो अवश्य मिलेगा। तो कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि हम इतना अच्छा काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। और कुछ लोग बुरा करते हैं लेकिन वो बड़े सुखी हैं। इसका कारण ये है कि हमने पूर्व जन्म में कुछ बुरा किया होगा, हमने पूर्व समय में या पूर्व जन्म में कुछ गलत, कुछ बुरा किया होगा जिसका फल आज हमें दुख के रूप में मिल रहा है। कितने भी माथा मारो लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। देखते ना कुछ लोग कितने बुद्धिमान होते हैं, हैं कितना ज्ञान होता है लेकिन कोई पैसा नहीं, कोई इनकम नहीं। और कुछ लोग तो मैं सोचता हूँ ये कैसे पैसे कमा लेते होंगे, चौथा माला ही नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, लेकिन कर्म का बादशाह होता है। हम लोग कर्म के नौकर है, वो अच्छा कर्म लेकर आया है। नहीं तो विचार करो, यदि कर्म का कोई सिद्धांत ही न होता है ना, तो एक ही दिन में 2 बालक का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं ना मेहनत करने से सब मिलता है, बस पुरुषार्थ को तो ये करो वो करो।
हाँ, दो बच्चे, एक एक ही दिन में दो बच्चों का जन्म हुआ। एक एक बच्चे का जन्म कोई धनी परिवार में, अंबानी परिवार में हुआ समझो, और एक बच्चे का जन्म किसी मजदूर झोंपड़ी में रहने वाले के घर पर हुआ। जन्म से ही करोड़पति अरबपति, और एक बच्चा कुछ किया तो नहीं, दोनों ने कुछ किया नहीं, हाथ पांव तो नहीं मारा, लेकिन ये दोनों आए हैं कर्म को लेकर आए हैं। कुछ लोग कहते ना खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, झूठ, कोई खाली हाथ नहीं आता, कोई खाली हाथ नहीं आता। हम जब आते हैं तो कर्म की गठरी साथ में लेकर आते हैं, और जब हम जाते हैं तो अनेकों कर्म की गठरी साथ में लेकर जाते हैं। जन्म से ही करोड़पति बनना वो कर्म लेकर आया है, और जन्म से ही इतना दुखी परिवार में जन्म लेना ये अपना कर्म लेकर आया है। पूर्व में अच्छे कर्म किए थे तो सुखमय परिवार में जन्म, बुरे कर्म किए थे तो बुरे परिवार में। इस संसार में हमारे जीवन में जो परिस्थिति आ रही है समझिएगा वो हमारा कर्म है, और कभी भी परिस्थिति को बदलने का प्रयास मत कीजिएगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी। कि कर्म एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। मैंने तो अनुभव किया जीवन में, हमारा क्या है ना, खास करके मैं डिवोटियों को बताता हूं, थोड़ा सा सेट हो जाएंगे फिर भक्ति करेंगे, वो सेट जीवन में होगा ही नहीं, मतलब भक्ति कभी होने वाली नहीं है। भजन ऐसी चीज है जैसी स्थिति हो जैसी परिस्थिति हो, स्थाने स्थिता श्रुति गता तनुवाक मनोरभीर कर लेना चाहिए, परिस्थिति को मत बदलो जैसी परिस्थिति। इसलिए तो हमारे वहां गाते ना सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का निधान जान हानि लाभ सही है जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। जाही विधि राखे राम, कर्म में जो लिखा है जैसा लिखा है जैसी परिस्थिति आई उस परिस्थिति में ढलना सीखो और अपना कर्म करते जाओ। आज हमारे जीवन में जो जो परिस्थिति निर्माण होती है उसे अपने पूर्व का कर्म समझिए, और वह कर्म भोगतना ही, बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्म को भोगतता है, और मूर्ख आदमी डरपोक आदमी कर्म से भागने का प्रयास करता है। ये सुसाइड करने वाले लोग हैं बहुत कम, छोटे कलेजे वाले लोग। जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, कुछ कुछ बुरी परिस्थिति आती है, सुसाइड कर लेते हैं, और उससे भी गए गुजरे डिवोर्स देने वाले हैं। ये जो पत्नी मिलती है, पति मिलता है, बच्चे मिलते हैं, ये हमारा कर्म है। उस कर्म से आप कितना भागोगे? आप इस पत्नी से भागे तो कहीं उससे भी ये ना माथा नहीं मड़े, वहां और, क्योंकि वो पत्नी आपकी परेशानी नहीं है। वो पत्नियों के लिए कहूं, पति आपकी परेशानी नहीं है, आपकी परेशानी आपका कर्म है। ये जो दुख आ रहा है वो तो मात्र माध्यम है, एक मात्र इंस्ट्रूमेंट है। रामायण में बहुत सुंदर कहा गया, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी को दुख दे सके या सुख दे सके। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे कर्म का फल है, हमारा अपना कर्म। हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो हमारे सामने परिस्थिति आई, बुद्धिमान व्यक्ति उस परिस्थिति को भोगत देता है, उसे भोग तो उसे खत्म करो, यह है कर्म। हाँ।
भगवद गीता में कृष्ण ने तीन प्रकार के कर्म कहे। ये तो कर्म का तो बहुत बड़ा चैप्टर है, संक्षिप्त में मैं आपको कहूँ तो तीन प्रकार के कर्म हैं। एक है सिंपल कर्म, जिसे स्वाभाविक कर्म कहते हैं, अर्थात सुबह उठना, नहाना धोना, एक सरल स्वाभाविक कर्म होता है। दूसरा है विकर्म। विकर्म का अर्थ होता है पाप। विकर्म माने पाप। प्रकृति का जो रूल है, नियम है, या भगवान ने जो नियम बनाया उस नियम से विरुद्ध चलना, इसी का नाम है पाप, और इसी को विकर्म कहते हैं। ऐसा विकर्म, बुरा कर्म करने वाले भविष्य में बहुत दुखी होते हैं। तो एक है कर्म। कर्म को आप सकाम कर्म भी कह सकते हैं, पुण्य कर्म भी कह सकते हैं। एक है पाप कर्म और एक है पुण्य कर्म। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हमने पाप किया है तो थोड़ा सा पुण्य कर लेंगे तो हमारा पाप खत्म हो जाएगा। कभी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। ये कर्म का और एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। विकर्म, कर्म के द्वारा विकर्म को कभी नहीं काटा जा सकता, क्योंकि पाप करना कर्म है, पुण्य करना भी कर्म है, और कर्म से कर्म को कभी काट नहीं सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मल से मल को धो नहीं सकते, शराब से शराब के नशे को उतार नहीं सकते, वैसे पुण्य से पाप को काट नहीं सकते। आपने पुण्य किया है उसका भी फल भोगतना होगा, पाप किया है तो उसका भी फल भोगतना, दोनों किया है तो दोनों का फल भोगतना होगा। कुल मिलाकर यह है कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, समय का अभाव है ना, तो एक एक पॉइंट में आपको समझाता। आप समझदार हो, समझ रहे हो, आप तो केवल चेक करने आए हो, बाकी आप तो ज्ञान है ही पहले से। तो कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। जो भी हो रहा है जीवन में, जब भी कोई अघट घटना घटे तो भक्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, किसी को दोष मत दीजिएगा। इतना सीख जाओ, जीवन में कोई मन से विपरीत घटना हो जाए, अगर घटना हो जाए, कोई दुख प्रॉब्लम आ जाए, किसी को दोष मत दो। दोष देना चाहते हो अपने कर्म को दोष दो। भागवत में वर्णन है कि ध्रुव को जब उनकी सौतेली माँ ने उठाकर पटक दिया, निकाल दिया, तब ध्रुव की माँ ने ध्रुव को इतना ही कहा कि बेटा बेटा तुम स्वप्न में भी यह मत सोचना कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें दुख दिया है। नहीं, दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता बेटा। ये दुख आज जो हमारे जीवन में आया है वो हमारे ही कर्म का फल है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमने कुछ किसी का बुरा किया होगा जो आज बुरा फल बनकर हमारे पास आया है। भारतवर्ष की एक माँ का यह उपदेश था। हमें भी हमारे जीवन में यह सोचना चाहिए कि कोई हमें दुख हमारा कर्म दे रहा है, हमारे पूर्व का बुरा कर्म जो आज दुख बनकर आता है। और ब्रह्मा ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि इंद्र से लेकर चींटी तक सब लोग अपना अपना कर्म भोगत रहे हैं। सब लोग, इंद्र से लेकर चींटी तक सब लोग अपना अपना कर्म भोगत रहे हैं, और कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जीवन में अच्छा कर्म या बुरा कर्म, जैसे बुरा कर्म होता है ना वैसे अच्छा कर्म भी होता है। हमें देख लो, हमें कभी कभी कुछ नहीं खाना होता है लेकिन इतना प्लेट प्रसाद होता है और इतना फोर्स होता है, खा लो खा लो खा लो खा लो, हम समझते हैं ये कर्म है हमारा। और कभी कभी भूखे पेट सो जाना, कभी कभी ऐसी जगहों पर कथा होती है भूखे पेट सो जाना पड़ता है, कर्म है। नहीं तो विचार करो कि लोगों के पास करोड़ों रुपये हैं, भोजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्प्राउट खाते हैं, डाइटिंग चल रही है। अब संसार तो देखो किस प्रकार का है, है? और जो बेचारे मजदूर हैं जिसको भूख लगती है, जिसको कुछ खाने के लिए चाहिए, उसके पास भोजन नहीं है, ये सब कर्म है भक्तों। कर्म को समझिए। कुल मिलाकर ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, इंद्र तक, सब लोग अपने अपने कर्म को भोगत रहे हैं। कोई कहेगा
कि मेरे जीवन में बहुत बुरा कर्म है, मेरे जीवन में बहुत बुरी परिस्थिति है, मैं मेरे बुरे कर्मों को कैसे काट सकता हूं। तब भगवद गीता में कृष्ण और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं कि बुरे कर्म को दो तरीके से काटा जा सकता है, दो तरीके से। वैसे तरीके तीन हैं, एक मेरी ओर से मैं जोड़ देता हूं, लटका लो तीन। हमारे बुरे कर्म को हम तीन तरीके से काट सकते हैं, बता दूं? मुफ्त में थोड़ी कोई बताएगा, लेकिन है टके की बात है। हम लोग हमारे बुरे कर्म का सामना कर रहे हैं तो हम सब लोग जानते हैं। तो कर्म को हमारे बुरे, अच्छे कर्म को तो आनंद है, मौज है, अच्छे कर्म के लिए कोई चिंता नहीं है, लेकिन बुरे कर्म को कैसे काटा जाए यदि आपका प्रश्न हो तो नंबर वन, उसे भोगत कर काट दो। माने जीवन में जब दुख आए तो थोड़े सुखी हो जाओ कि चलो भाई बुरे कर्म कट रहे हैं, जल्दी खत्म करो इसे, ताकि अच्छे कर्म का फल भी आएगा। समझ में आ गया? एक दूसरा, हम बुरे कर्म को काट सकते हैं यदि उसे भोगतना नहीं चाहते हैं तो एक बहुत सुंदर उपाय है। ब्रह्मा जी ने कहा कर्माणि निर्दहति, कर्म के ढेर बुरे कर्म का पर्वत बन चुका है, लेकिन ऐसे कर्मों का पर्वत भी निर्दहति आप जलाकर राख कर सकते हो। कैसे? भक्ति भाजा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति करके, भगवान की कथा सुनकर, भगवान का नाम लेकर हम हमारे बुरे कर्म को काट सकते हैं। यह है बुरे कर्म को काटने का तरीका, समझ रहे हैं? शिल प्रभुपाद को कोई मिला, कहा पंडित जी जरा हाथ देखिए। कभी कभी हम लोग को भी कहते हैं पंडित जी हाथ देखिए, मैं तो देख देता हूं, मुझे क्या। प्रभुपाद ने कहा कि तेरी लकीर, तेरे कर्म बहुत खराब है महाराज, इसको बदलने का तरीका। बोले हाँ, दोनों हाथों से ताली बजाओ और कीर्तन करो, हाथों की रेखा बदल जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के मध्य में अंतर्गत कर्म के ऊपर हम, हालांकि गीता में एक पूरा अध्याय है कर्म योग, आप सब पढ़िएगा, मैं तो सार बता रहा हूं। कर्म जो है अच्छे कर्म भी अच्छे नहीं है, बुरे कर्म भी अच्छे नहीं है, और बुरे कर्म को यदि हम काटना चाहते हैं तो पुण्य के द्वारा तो नहीं काट सकते हैं। पुण्य समझते ना, किसी को भोजन दे देना, कंबल दे देना, किसी की भौतिक शरीर के लिए कोई हेल्प कर देना, ये सब पुण्य है। लेकिन पुण्य कर्म पाप को नहीं काट सकते, पुण्य से स्वर्ग मिल सकता है, और जितना पुण्य किया है उतने समय तक स्वर्ग में रहने मिलता है। जैसे ही पुण्य का अकाउंट बैलेंस खत्म हो जाए तो क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति ही, पुनः यहां वापस आना पड़ता है। बुरे कर्म को काटने के लिए प्रथम उपाय, उसे प्रेम से भोगत लो। और ये बोलना आसान है कि बुरे कर्म को प्रेम से भोग तो, लेकिन जब बीतती है ना तब पता चलती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब ऐसे बुरे कर्म, बुरा समय चल रहा हो तो सत्संग में आकर बैठ जाओ। दुनिया के सताए लोग यहां पर हैं, संसार में सताए हुए लोग जब सत्संग में आते हैं परम सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्मा ने भागवत के 8वें स्कंद के 6ठे अध्याय में कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हम तो संसार के दुखी जीव, और कितने दुखी जैसे जंगल में दावाग्नि लगी हो, जानते ना पर्वत पर आग लगती है, चारों ओर से वन में आग लगी है और बीच में गजराज हाथी फंसा हुआ है, उस आग की लपट से तप्त दग्ध होता है, चारों ओरों से आग,
और उस आग से जलते हुए हाथी को गंगा का स्पर्श हो जाए, गंगा जल मिल जाए और तुरंत गंगा में कूद जाए और उस आग से उसे शांति मिले, ठंड मिले, वैसा ही अनुभव होता है जब हे कृष्ण आपका दर्शन करते हैं। तो बुरे कर्मों से मुक्त होने के लिए उसे भोगत लो, दूसरा भक्ति करो। यदि हम हमारे बुरे कर्मों को काटना चाहते हैं तो भक्ति के द्वारा काट सकते हैं। शास्त्र में कहा गया कि पर्वत जितना दुख राई सरसों के दाने के समान हो जाएगा यदि भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। भक्ति करने से हमारे बुरे कर्म कट सकते हैं, एक भोगतने से, दूसरा भक्ति करने से, और तीसरा जो मैं जोड़ रहा हूं आज, मैं मेरे 25 साल का अनुभव और शास्त्र की बात है, मैं मेरा क्या है इसमें, लेकिन अपने बुरे कर्म को काटना चाहते हैं तो तीसरा किसी शुद्ध साधु, किसी शुद्ध संत की कृपा, महत कृपा कर्म को पलट देती है, कर्म को बदल देती है। सो कर्म, बुरे कर्म को खत्म करने के तीन तरीके, एक उसे भोगत कर खत्म करो, दूसरा भगवान की भक्ति करके खत्म करो, और तीसरा किसी शुद्ध संत, किसी महात्मा की सेवा करो और उनकी कृपा से हमारे बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बताइए रत्नाकर डाकू ने कौन सा भजन किया था? नारद की कृपा हुई, एक दिन का वाल्मीकि ऋषि बन गया। ये तो फिर भी दूर है, सतयुग है, कल का इतिहास, 50 साल पहले की घटना। श्रील प्रभुपाद भारत से अमेरिका गए और अमेरिका में रहने वाले रात दिन नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले उन अमेरिकी हिप्पियों में कौन सा बड़ा पुण्य था, कौन सा अच्छा कर्म किया था? अपने बुरे कर्मों की सजा ही भोगत रहे थे, लेकिन वे हिप्पी लोग जाने अनजाने में एक संत की कृपा के पात्र बन गए और हिप्पी से हैप्पी हो गए, हैप्पी बन गए। नहीं तो वो लोग जिनकी दूर दूर पीढ़ी तक कोई संस्कार का नामो निशान नहीं है, और एक संत की कृपा क्या हुई कि वो हिप्पी सन्यासी बन गए और इतने पवित्र सन्यासी के भारत के लोगों को देखते हैं तो लज्जा आती है। ये एक संत की कृपा नहीं तो और क्या है? हिरण्यकश्यपु का बेटा, असुर का बालक, असुर के गर्भ में सभी ओर से असुरी प्रभाव, लेकिन एक संत नारद मुनि की कृपा क्या हो गई कि जहां असुर पैदा होने वाला था वहां संसार का महाभागवत प्रहलाद के रूप में प्रकट हो गया। संत की कृपा नहीं तो और क्या? संत जो होते हैं ना वो हमारे कर्म बदल देते हैं। कोई संत आपके घर पर आए ना तो ऐसा मत समझना कि वो अपनी खुशी से आया है। जब संत हमारे घर आते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेकर आते हैं, अपनी साधना का, अपनी भक्ति का, अपनी सिद्धि का। और संत हमारे घर से कुछ लेकर जाए या कुछ खाकर जाए तो यह मत समझो कि हमारा भोजन खाया या हमारा पैसा, वह संत हमारे बुरे कर्म को खा जाता है, हमारे बुरे कर्म को अपने सिर पर लेता है, साधना के बल से उसे जलाता है। संत, खैर कलयुग में ऐसे संत मिलना भी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, प्रयास करो तो अवश्य मिलेंगे। कर्म को, कर्म के ऊपर 7 दिन की कथा हो सकती है। आप ये मत गर्व जाकर कहना कि आज तो हम कर्म के बारे में पूरा समझ कर आ गए, पूरा यहां कभी किसी हो ही नहीं सकता है, आज तक कोई इसे पूरा कर ही नहीं पाया, ये तो मात्र एक झलक है।
सो लगभग आपको कर्म के विषय में समझ में आ गया, कर्म अकर्म और विकर्म तीन। और इसी भगवान की भक्ति को विकर्म भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं। तो विकर्म करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से बहुत सारे लाभ है। भक्ति कर्म करते ना तो बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, एक। दूसरा, वर्तमान में जो कर्म बनने वाले हैं वो बनते नहीं हैं। और तीसरा, जो कर्म कर रहे हैं उसमें हम सफल हो जाते हैं और आसानी से संपन्न हो जाते हैं। भक्ति करें, साधु संतों की सेवा करें और जीवन में जो परिस्थिति आती है उसे खत्म करें। कितना भागेंगे इस परिस्थिति से, भागेंगे तो वहां फंसेंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम हमारा घर बार सब कुछ छोड़कर वन में चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं, वो मूर्ख नहीं जानता कि घर छोड़ा है लेकिन अपनी इंद्रियों को तो साथ में लेकर जा रहा है। वो इंद्रियां 10 पत्नी के समान है और मन तो महारानी के समान है, उससे कैसे मुक्त हो पाएगा। छोड़ो मत, भागो मत, सामना करो, भजन करो, सेवा करो। ये है कर्म के विषय में। भगवद गीता के 4 सब्जेक्ट पर चर्चा हो चुकी, जीव, प्रकृति, काल, कर्म और एक तत्व है ईश्वर, जो आप सब जानते ही हैं कि संसार में पशुओं की कैटेगरी क्या है। पशुओं में भी जलजा 9 लक्षाणी, स्थावरा लक्ष्य विशंति, कृमिया रुद्र संख्या का, पक्षिणाम 10 लक्षाणाम, चतुर्लक्षाणी मानुष, है ना, ये सब जीवों की संख्या है। तो सबसे नीचे आती है वृक्ष, उसके ऊपर आते हैं सबसे नीचे पेड़ पौधे, उसके ऊपर आते हैं कीड़े मकोड़े, उसके ऊपर जल में रहने वाले, उसके ऊपर स्थलचर नभचर और उसके ऊपर मनुष्य। मनुष्य के ऊपर की कैटेगरी है देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष, ये सब जीवात्मा की कैटेगरी है। मैं सार के रूप में बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इवन देवता भी जीव कैटेगरी में आते, समझ लीजिएगा। देवता जो है, हाँ, मनुष्य से महान है। मनुष्य में पृथ्वी अधिक है, देवताओं में वायु अधिक है। अतः मनुष्य पृथ्वी से स्पर्श होकर जीते हैं, देवता आकाश में रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा शरीर 5 महाभूत से बना, हमने पहले दिन देखा। देवताओं का शरीर भी 5 महाभूत से ही बना है। हमें एक ना एक दिन मरना है, देवताओं को भी एक ना एक दिन मरना है। हाँ, उनकी उम्र लंबी होती है, हमारी छोटी होती है। लेकिन आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिन, अर्जुन ने गीता में कहा कि ब्रह्म लोक तक कोई चला जाए उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। तो ये सब जीव की कैटेगरी है। उस जीव के ऊपर आते हैं भगवान के अवतार, नरसिंह, वामन, वराह, परशुराम, ये सब अवतार। उसके ऊपर आते हैं भगवान विष्णु, जिससे ये अवतार होते हैं। और उस भगवान विष्णु के भी सोर्स, स्रोत, वो है भगवान कृष्ण, जो सर्व अवतारी, जो जो सभी अवतारों के स्रोत है, हैं, जो स्वयं भगवान है। इसके 1000 प्रमाण है। भागवत में चलिए तो व्यास मुनि लिखते हैं, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है। भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते। वहां महाभागवत पितामह भीष्म ने कल कहा, येष वे भगवान साक्षात, ये कृष्ण ही भगवान है। और भगवान बोल देने से कोई भगवान नहीं होता। भगवान वो है जिसके अंदर 6 भग हो, ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रेय, ज्ञान वैराग्यस्य व शशणाम भग इति गणा। जैसे राजा वो बन सकता है जिसमें 32 लक्षण हो, भगवान वो बन सकता है जिसमें 6 गुण परिपूर्ण मात्रा में हो, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण यश,
पूर्ण बल, परिपूर्ण मात्रा में वो एक और मात्र एक भगवान कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण भगवान है और उस कृष्ण के नरसिंह वामन वरा राम अवतार है और उसके नीचे ये देवी देवता है, इंद्र चंद्र वरुण दुर्गा है? और उसके नीचे विद्याधर चारण यक्ष गंधर्व ये सब है, उसके नीचे ऋषि मुनि ये सब है, उसके नीचे मनुष्य है और मनुष्य में भी कैटेगरी है सज्जन पुरुष और फिर लास्ट में आते हैं स्कूली चेतना के अनुसार, ये सब कैटेगरी है। फिर उसके नीचे हो जाते हैं पशु पशु पक्षी और सब। भजनीय यदि कोई है तो वो है कृष्णा, कृष्ण का भजन करें। कई बार कुछ लोग कहते हैं हम देवी देवताओं की पूजा सेवा करते हैं, करनी चाहिए। जो वैष्णव होता है जो सज्जन होता है सबको रिस्पेक्ट देता है, सबको आदर करे, लेकिन प्रेम कृष्ण से करे। प्रेम करने लायक यदि कोई है तो वो कृष्ण है, वो राम है, वो विष्णु है, इसे प्रेम। हम भक्ति जो है ना, भक्ति केवल भगवान की हो सकती है, देवी देवता की भक्ति नहीं हो सकती। देवी देवताओं की उपासना होती है, भक्ति भगवान की होती है, इसलिए कृष्ण की भक्ति करें। और अन्य सबका आदर करें, प्रेम कृष्ण से करें। सबका अपना स्थान होता है और उस स्थान के प्रति हमारा आदर होना चाहिए, संबंध और व्यवहार होना चाहिए। तो भगवद गीता, भागवत, रामायण, वेद और सद ग्रंथों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। और आप सब मानते हैं, जानते हैं, ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए भगवद गीता का अंत में आपको बता दूं। हमारा सब्जेक्ट था गीता आदि मध्य और अंत। भगवद गीता का अंत यदि मैं दो पॉइंट में कहूं तो भगवद गीता का एक अंत ये है। तो भगवद गीता जो है उसका अंत यदि मैं दो कैटेगरी में करूं, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन दो पॉइंट में आपको कहूं, गीता का एक अंत जो है वो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन गीता सुनने पढ़ने के बाद कई लोग मेरी सेवा करते, मेरी पूजा करते, मेरी भक्ति करते, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अर्जुन गीता पढ़ने के बाद जो गीता जीवन में उतारते निश्चित मेरी सेवा, मुझे प्रेम, मेरी भक्ति करेगा, लेकिन अर्जुन मेरी बहुत प्रकार की सेवा भक्ति आदि है, उन सारी सेवाओं में अर्जुन मुझे वो सेवा सबसे अधिक पसंद है जो मेरी गीता का प्रचार करेगा। अर्जुन जैसे मैंने तुझे ये गीता सुनाई, ऐसे ही यदि कोई समाज में संसार में ये गीता दूसरों को देगा और भगवद गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करेगा सुनाएगा, वो सेवा मुझे सबसे अधिक पसंद है। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशु अभिधास्यति। हे अर्जुन ये परम गुह्य ज्ञान यदि कोई मेरे भक्तों को या समाज संसार में देता है तो भक्ति मई पराम कृत्वा, गीता का ज्ञान देना ये मेरी भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं ना ये लाल गोविंद प्रभु बस ये प्रवचन करते हैं, ये भक्ति कब करते होगे? भक्ति तो कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं? टाइम पास कर रहा हूं। कई लोग कुछ अब समझ में बोलने वाले हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं इतने सारे लोगों को बेसबन से आए, यहां से आए, वहां से आए, ये सुनने के बाद रिजल्ट क्या है? अब इसका ये रिजल्ट नहीं है। रविवार के दिन टीवी को छोड़कर, फिल्म को छोड़कर, रेस्टोरेंट को छोड़कर तीन तीन घंटे तक कथा में बैठना, ये रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है? अब समाज को क्या समझाए? गीता सुनने के बाद रिजल्ट? गीता सुनना ही रिजल्ट है। यह इदम, इस श्लोक के ऊपर आप थोड़ा विचार कीजिए, यह इदम परमम गुह्यम, ये गीता का गुह्य ज्ञान मद भक्तेशु अभिधास्यति, भक्तों के बीच में बोलना
तो क्या है? भक्ति मई पराम कृत्वा, वो मेरी परा भक्ति है। अर्थात भक्ति बहुत कैटेगरी में होती है, लेकिन मेरी परम भक्ति, मेरी सबसे बड़ी भक्ति है जो गीता का ज्ञान सुनता है, पढ़ता है, बोलता है। तो गीता के ज्ञान का प्रचार करने वाला, दूसरों को गीता देने वाला अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है। आप सब तो व्यापारी हो यार, कंपनी जो चलाते हैं, दुकान जो चलाते हैं, उसमें जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होता है वो बंदा हमें बड़ा पसंद होता है। सेल्स में जो होता है उसका विशेष ध्यान रखते हैं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सेल्स पर्सन का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि वही तो बिजनेस ला रहा है। तो भगवान कृष्ण गीता के अंत में यदि चलें तो भगवद गीता सुनना पढ़ना बहुत बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति है। आप कभी ऐसा मत समझिए, गीता सुनने के बाद यदि हम परिवर्तन लाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गीता सुनना पढ़ना बोलना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और जो गीता का प्रचार करता है, जो गीता बांटता है, जो समाज में नहीं बोल सकते तो 1-to-1 गीता का प्रचार करें, और ये भी नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा काम, श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता को जो समझाया है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लाखों करोड़ों का गीता पढ़कर उद्धार हुआ है, वह भगवद गीता का पुस्तक दूसरों को बांटे हैं, ये सबसे बड़ी भक्ति। और ये कृष्ण का सबसे बड़ा प्रचार, कृष्ण गीता का ज्ञान प्रवचन के माध्यम से, कथा के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से, गीता का ज्ञान जो बांटता है, कृष्ण उससे बहुत प्रेम करते हैं और उस भक्त को कृष्ण अपने आंखों के तारे के रूप में रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गीता ज्ञान का प्रचार करने वाला भगवान को कितना प्रिय है, कहते हैं असत मम जन उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। जो भगवान की भक्ति गीता भागवत का प्रचार करता है, भगवान उस भक्त की रक्षा कैसे कैसे उस भक्त को सलामत रखते हैं, जैसे लोभी अपने धन को सलामत रखता है। लोभियों को देखा आपने कभी? बस कुछ देखा ही नहीं आपने, मुझे पूछिए, घाट घाट के पानी पिए हैं हमने। लोभी की तो सृष्टि ही अलग होती है। लोभी मतलब गीता में कृष्ण ने कहा, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एक आदमी की पत्नी बीमार, पत्नी अंतिम सांस गिन रही थी, आदमी ने बहुत सेवा की, अंत में कुछ नहीं हुआ। उस आदमी ने पत्नी को कहा, पत्नी तुम डरो मत, मैं जाता हूं डॉक्टर को बुला कर आता हूं, छोटे मोटे डॉक्टर से काम नहीं होगा, मैं बड़े डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं, तुम बस अपना होश संभाल कर रखना। वो आदमी दौड़ने लगा, दरवाजे तक पहुंचा, कहा कि देवी देवी मेरे आने में देरी हो जाए और तुम्हारे प्राण यदि निकल जाए तो पंखे की स्विच बंद कर देना। ऐसे लोभी होते हैं लोग। खैर, अब लोभी हृदय बस ही धन जैसे, जैसे भगवान, जैसे लोभी अपने धन की रक्षा करते हैं, भगवान गीता का प्रचार करने वाले की वैसे रक्षा करते हैं। तो अनेकों सेवा हैं, लेकिन गीता के ज्ञान का प्रचार करना ये सबसे बड़ी सेवा है। और विशेष ये जो महीना गीता जयंती का महीना है, इस महीने में यदि हम गीता के ज्ञान, खुद तो गीता पढ़े ही, क्योंकि जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद जीवन में नहीं उतारेंगे तो दूसरों को क्या देंगे। तो स्वयं गीता पढ़े समझे जीवन में उतारे, लेकिन ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करें, चाहे कथा फॉर्म में, चाहे 1-to-1, या चाहे पुस्तक के फॉर्म में। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज दूसरों को बांटे। कैसे कैसे इतिहास है श्रील प्रभुपाद के लिखी हुई भगवद गीता के, कि कोई सुसाइड करने गया और वहाँ गीता को देख लिया, थोड़ा सा गीता पढ़ा, सुसाइड का प्रोग्राम बंद रखा। जेलों में लोगों ने गीता पढ़ी और अपना जीवन पवित्र बना लिया, और जज ने उसके आचरण को देखकर रिहा कर दिया। कैसे कैसे, एक 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 प्रैक्टिकल ग्रंथ जिसे करोड़ों जीवों का उद्धार हुआ। हम आप यहाँ पर जितने बैठे हैं,
कई लोग गीता से ही प्रभावित होकर भक्ति में आए हैं। तो भगवद गीता का अंत एक कि गीता के ज्ञान का प्रचार कीजिए, साल भर कीजिए, लेकिन ये जो महीना चल रहा है गीता जयंती, मैं मेरे सभी भक्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गीता का प्रचार कीजिए और भगवान के प्रिय बनिए। देखिए, हम भगवान से प्रेम करते हैं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान किससे प्रेम करते हैं ये बड़ी बात है ना। तो गीता में कृष्ण ने कहा कि मैं उससे ज़्यादा प्रेम करता हूँ जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है। तो इसका प्रचार करना चाहिए जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया, पूरे विश्व ब्रह्मांड में भगवद गीता का प्रचार किया और विश्व को एक 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 नया मोड़ प्रदान किया। तो ये हमें करना चाहिए। और गीता का अंत दूसरा कि जीवन में बुरी आदत छोड़े अच्छी बात है, छोड़ना ही चाहिए, और यदि नहीं छूटती है तो कोई बात नहीं। जीवन में और कुछ हो या न हो, गीता का अंत संजय ने बहुत सुंदर श्लोक से किया, कुछ न छूटे कोई बात नहीं, एक चीज अपने जीवन में जोड़ लो और वो है कृष्ण को। यदि कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे जीवन में है तो जीवन धन्य है, हमें कोई हरा नहीं सकता, हम सदैव जीतेंगे। अंत में एक छोटी सी बात कहकर विराम करूंगा, कथा की पूर्णाहुति करूंगा। महाभारत में भी है और भागवत का ये प्रसंग है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारिका भेजा। अर्जुन द्वारिका गए कृष्ण से मिलने के लिए, और वहां जाकर अर्जुन को पता चला कि कृष्ण तो चले गए, 128.5 वर्ष तक लीला किए और वैकुंठ में वापस चले गए। और उस समय अर्जुन कृष्ण की कुछ पत्नियों को लेकर वन के मार्ग से द्वारिका से हस्तिनापुर जा रहे थे। ऐसा वर्णन है कि उस वन के मार्ग में अर्जुन की मुठभेड़ कुछ कोल भील के बच्चों के साथ हुई, युद्ध हुआ, और युद्ध करते हुए अर्जुन हार गए। अर्जुन जैसा धनुर्धर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, उस कोल भील के बच्चों के साथ युद्ध करते हुए हार गया। और हारते हुए अर्जुन ने जो सोचा, अर्जुन के उद्गार भागवत में लिखे हुए हैं। धन्य है भक्तों। अर्जुन उस समय अपने आप को, अर्जुन मन में सोचकर कहते हैं कि मैं अर्जुन, मैंने क्या नहीं किया, मैं अर्जुन, मेरा पराक्रम, मेरा बाहुबल, मेरी शक्ति तो देखो कि राजा द्रुपद की सभा में असंख्य राजाओं के अभिमान को तोड़कर मत्स्य का भेदन किया और द्रौपदी को जीत लिया। मैं वही अर्जुन हूं जिसने अपनी गांडीर की टंकार से शिवजी को प्रसन्न किया और पशुपशास्त्र ग्रहण कर लिया। मैं वही अर्जुन जो इंद्र के आधे आसन पर जाकर बैठा। मैं वही अर्जुन बृहस्पति का शिष्य बना, इंद्र का। मैं वही अर्जुन हूं जिसने महाभारत के कुरुक्षेत्र के रणांगन में जैसे एक बाज छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है, वैसे कौरव की सेना को मैंने रौंद दिया। आज वही अर्जुन, वही गांडीर, वही रथ है। जीवन में जितने भी युद्ध हुए, जितने लोगों के साथ सामना हुआ, अर्जुन कभी हारा नहीं, लेकिन आज इन बच्चों के साथ युद्ध करते हुए हार गया। अर्जुन कहता है कि आज मुझे पता चला कि जीवन में बड़े बड़े युद्ध हुए, उन सारे युद्ध में मैं जीता, और आज मैं क्यों हारा। आज मुझे पता चला कि उन जीवन के सारे युद्ध में मैं जीता क्योंकि कृष्ण मेरे साथ थे, और आज जब कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं तो इन बच्चों के साथ युद्ध करते हुए मैं हार गया। कितना बड़ा पराक्रम मैंने किया और आज बच्चों के साथ हार गया। इसका अर्थ, ये बड़े पराक्रम मेरे नहीं, कृष्ण मेरे साथ थे इसलिए मैं जीता, और आज कृष्ण नहीं है तो बच्चों ने मुझे हरा दिया। इसका अर्थ, जहां कृष्ण है वहीं पर विजय है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण
यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां योग योगेश्वर कृष्ण है तत्र वहीं पर धन है श्री, वहीं पर विजय, वहीं पर सक्सेस है, वहीं पर नीति है और वहीं पर वैकुंठ है। सो भगवद गीता का अंत यही है कि जीवन में कुछ छूटे न छूटे कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण को अपने साथ रखिए। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण थे तो सारे युद्ध जीत गए, हमारा जीवन भी एक युद्ध है, पल पल पर युद्ध है। यदि कृष्ण हमारे साथ होंगे हम जीत जाएंगे। और कृष्ण को साथ रखने का अर्थ है इस कलयुग में कृष्ण का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में कृष्ण का अवतार नाम के रूप में हुआ है। कृष्ण का नाम लेते रहिए, कृष्ण आपके साथ हैं और कभी आप हारेंगे नहीं, सदैव जीतेंगे, सदैव सफल होंगे। यही है भगवद गीता का अंत। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।